हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आपकी चल रही होगी। मैं दीपक कुमार आज फिर से DRD क्लासेज में फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ आपके साथ। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन का पिछला 2 लेक्चर हमने किया है, और जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देखेंगे या फिर ना, तो उनको अगर डिफरेंशिएशन सही ढंग से समझना है तो फिर स्टार्टिंग से आप देखो, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, ऐसे ऐसे देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये जो टर्म है डिफरेंशिएशन हो या फिर जितने भी मैथमेटिकल टूल्स अपन पढ़ेंगे, ये पूरे फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। तो इसका कंसेप्ट अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका कंसेप्ट हमको अच्छे से नहीं होगा तो फिर हम फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर नहीं पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब तक 2 लेक्चर हमने किया है उसमें सभी स्टूडेंट अच्छे समझ पाए होंगे। अभी अपन क्या करेंगे कि नेक्स्ट में बात करेंगे कि अगला डिफरेंशिएशन का पार्ट क्या होगा। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, स्लोप करेंगे और मैक्सिमम मिनिमम। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आएगा। तो चलो हम लोग बात करेंगे आज डिफरेंशिएशन में। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने सारे टॉपिक्स लगभग कवर कर लिए थे। अब एक जो टॉपिक हमारे पास है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना? तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। बहुत सिंपल है, देखो। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना? जैसे मान लो इसको क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड dy अपॉन dx इफ y, इफ x प्लस y इक्वल टू साइन एक्स वाई, है ना? ये हमको दिया हुआ है, x प्लस y इक्वल टू साइन एक्स वाई। कैसे करेंगे इसको? करो, बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, देखो कि यहाँ जो है किसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है ना? देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम यहाँ लिखेंगे गिवेन दैट, ऐसे लिख लेते हैं, गिवेन दैट x प्लस वाई इजकल टू साइन एक्स वाई, ये दिया हुआ। हमको क्या करना है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट टू हमको करना है। हम ऐसा करेंगे कि यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स वाई, है ना? ये चीज। अब इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखें तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है ना? इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, ये तो dy अपॉन dx ही रहेगा, है ना? dy अपॉन dx ही रहेगा, ठीक है ना? dy अपॉन dx 1 प्लस इजिकल टू, इसको चेन रूल से करेंगे। d पहले टोटल फंक्शन को कर लेते हैं, एक्स वाई अपॉन साइन का हो गया, अब एक्स वाई का लिखें तो डी एक्स वाई नीचे आ जाएगा। फिर हमने बताया था कि इसी से मल्टीप्लाई कर देना है अपॉन डी एक्स, ठीक है ना? देखो वो सिंपल है, हमने इक्वेशन लिख लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स प्लस वाई और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स वाई, इसको हमने सेपरेट कर लिया, डी एक्स अपॉन डी एक्स और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है ना? अब यहाँ देखो हमने क्या किया, डी एक्स अपॉन डी एक्स का वैल्यू हम बताए हैं 1 होगा और डी वाई अपॉन डी एक्स रख लिया। अब यहाँ देखो टोटल फंक्शन को कर लिया, डी साइन एक्स वाई अपॉन
साइन का कर लिए तो एक्स वाई नीचे आ गया और एक्स वाई से ही हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड बाई डी एक्स। अब हमारे पास आएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन का तो हो जाएगा कॉस एक्स वाई, ठीक है ना। कॉस एक्स नहीं होगा, हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि जैसे यहाँ देखो लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं कॉस और जो एंगल है उसको लिख लेते हैं, जो एंगल था इसी को यहाँ रख लिया हमने, है ना, जो एंगल है इसी को यहाँ रख लिया, यही चीज़ हमको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो यहाँ क्या है, साइन का तो कॉस हो गया, एंगल में जो एक्स वाई है उसको हमने एक्स वाई रख लिया, है ना। अब एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू, है ना, एक को कॉन्स्टेंट मान लो तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब वाई को कॉन्स्टेंट मानो तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, समझना इसको। यहाँ देखो यहाँ साइन का कॉस हो गया, एंगल में जो हमने रख लिया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स और वाई यू इंटू वी के फॉर्म में, तो यू इंटू वी के फॉर्म में हमने क्या बताया बताओ, हमने कहा कि किसी एक को कॉन्स्टेंट मान लो, तो हमने एक्स को कॉन्स्टेंट मान लिया बाहर हो गया, वाई को डिफ्रेंशिएट के डी वाई अपॉन डी एक्स, अब प्लस अब वाई को कॉन्स्टेंट मान लिया बाहर हो गया, एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया डी एक्स अपॉन डी एक्स, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं कॉस एक्स वाई और ये जो आ जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 और यहाँ बचेगा 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ऐसा करते हैं डी वाई बी डी एक्स यहाँ भी है और डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी, ये दोनों को एक साथ लेके आते हैं, ठीक है ना, ये दोनों को एक साथ लेके आएंगे। तो क्या करना होगा, हम ऐसा करते हैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बहुत सिंपल है। देखो तो हमारे पास आएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू देखते हैं इसको, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स वाई, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स वाई, है ना, कॉस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो जाएगा एक्स कॉस एक्स वाई, है ना, इसको इसे मल्टीप्लाई करो आई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स वाई, यही आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसा करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साथ लाए, इस वाले टर्म को इधर लाते हैं तो 1 तो यहाँ रह करेगा, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाई कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये जो टर्म है ऐसे ही रखो एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, और इस टर्म को इधर ले जाओ तो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ रख लेंगे, यह हो जाएगा एक्स कॉस एक्स वाई और माइनस 1, है ना, यह हो जाएगा 1 माइनस वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है ना। यहाँ से अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स वाई, देखो 1 माइनस वाई कॉस एक्स वाई, देखो ये टर्म ऐसे ही रहा और ये टर्म इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा एक्स कॉस एक्स वाई और माइनस वाई, यही आ जाए डिवाइड अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आया हमारे पास। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग ऐसे ही डिफरेंशिएशन करना, फाइंड डिवाइड अपॉन डी एक्स इफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इजकल टू 4, इस तरह का इक्वेशन। एक और करते हैं क्वेश्चन तो हमें और समझ में आ जाएगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ क्या होगा, बहुत सिंपल है, इसका सोल्यूशन कैसे करें, गिवेन दैट एक्स प्लस वाई इजकल टू 4, है ना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लें, फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज
इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स 4 है ना। तो 4 तो कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट करना, तो हमने पिछले क्लास में बताए थे कि यदि कोई फंक्शन का स्क्वायर दिया है तो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर पावर के इनसाइड जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। यही करने वाले अपन, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x + y (2−1) डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई इजकल टू 0। देखो बहुत सिंपल है, यानी पावर को हमको कोफिशियंट में लाना होगा और पावर में से 1 माइनस करना होगा, तो पावर का तो हो जाएगा, फिर पावर के इनसाइड जो फंक्शन है उसको अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना। और यहाँ तो 0 है ही, तो हमने यही किया, ठीक है। देखो पावर को कोफिशियंट में लाए, पावर में से 1 माइनस कर लिया, पावर के इनसाइड x प्लस वाई है तो हमने x प्लस वाई को डिफरेंशिएट कर लिया और इक्वेशन के साइड 0 है, 0 रख लिया, तो हो जाएगा 2x + y और इसका हो जाएगा dx/dx + dy/dx, है ना, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ऐसा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x + y (1+) इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, dy/dx है ना इज इक्वल टू 0। इस टर्म को इधर लेके आएंगे, देखो इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई, इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो 0 में डिवाइड हो जाएगा, तो 1+dy/dx इज इक्वल टू 0, तो dy/dx का जो वैल्यू आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, -1, ठीक है ना, ये क्लियर। तो इस तरह से हम लोग जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारे पास, इसको आप नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। तो चलो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं है ना, स्लोप के बारे में बात करेंगे, स्लोप क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का ये पार्ट हो गया, अब स्लोप देखते हैं कि स्लोप क्या होता है। चलो देखो बहुत सिंपल है, ठीक। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन है ना, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। जैसे मान लो हमने क्या किया, x एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है, और ये हमने कोई लाइन ले लिया है ना, और यहाँ एंगल हो रहा है थीटा, ठीक है। एक बार इसको हम लोग फिर से करेंगे, तो देखो x एक्सिस और y एक्सिस और ये जो है एंगल बना रहा है थीटा। अब देखो इसमें क्या होता है, समझना हमको, कि जब भी स्लोप निकालना हो तो हम लोग पॉजिटिव x एक्सिस सर्च करेंगे, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इधर जो है पॉजिटिव x एक्सिस होता है, इधर क्या होता है निगेटिव x एक्सिस होता है। अपवर्ड पॉजिटिव y एक्सिस, डाउनवर्ड निगेटिव y एक्सिस, यही होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो पॉजिटिव x एक्सिस है उससे लाइन कितना एंगल बनाता है हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर मान लो ऐसा हम समझते, ठीक है ना, ऐसा समझते कि ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये कहीं नहीं दिया है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा जब भी हमको स्लोप निकालना होगा इस लाइन का। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि पॉजिटिव एक्स तो ये है और ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा भाई, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे चलिए, ठीक है ना, बोलो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉक, है ना, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है, थीटा। क्या एंगल आ रहा है, थीटा, बोलो। ये एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा ना, तो ये एंगल थीटा आ गया, ये थीटा एंगल आ गया, ठीक है। तो जब हमको थीटा एंगल आ गया एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो इसका जो स्लोप बनेगा वह स्लोप होगा tan थीटा। स्लोप क्या होगा, tan थीटा,
ठीक है ना। स्लोप क्या आएगा बताओ, टेन थीटा आएगा, हमेशा ध्यान रखो। अब क्वेश्चन ये है, कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि क्या कॉट हो सकता है, साइन हो सकता है, मतलब साइन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्लोप जो डिफाइन होता है वो टेन पर होता है। तो हम लोग करना क्या होगा कि जिस लाइन का स्लोप पूछे उस लाइन को हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाता है। जैसे यहाँ हमने मेजर किया, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो स्लोप जो हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, है ना। एग्जांपल में क्या है, जैसे मान क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है ना। स्लोप ऑफ लाइन निकालना हो फर्स्ट में, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस एंगल जो है 30 डिग्री, है ना, इसका स्लोप निकाल। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बोलो। तो हमने क्या देखा कि यहाँ जो एंगल है कितना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है। तो हम लोगों के यहाँ स्लोप जो हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, यानी 1/√3, यही हो जाएगा 1/√3, ठीक है ना, 1/√3, या क्लियर। तो इस तरह से हम लोग स्लोप निकाल लें। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप पहले नोट कर लो, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है ना। जैसे हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया, जैसे ये फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। एंगल जो है यहाँ से हमने ले लिया 60 डिग्री, पहला। दूसरा सिचुएशन हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है ना, कि यहाँ लाइन ले लिया एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस, है ना, और ये हमने लाइन ले ली, ठीक, इस तरह का सिचुएशन। देखो कैसे करते हैं, है ना, बहुत सिंपल है। हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन क्या होगा समझना, ठीक है ना। देखो हमने बताया था कि जब भी हमको स्लोप निकालना है, क्या करेंगे, एंगल जब हमको पता है तो 10 ले लेना है, 10 थीटा। तो हमारे पास स्लोप जो आ जाएगा इस केस में, स्लोप इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, और 10 60 का वैल्यू क्या होता है बताओ, √3। तो इस केस में जो स्लोप आएगा वो √3 के बराबर आ जाएगा। चलो सेकंड में हम लोग बात करते हैं इसका सोल्यूशन, है ना। तो इसका स्लोप जो हो जाएगा, हो जाएगा 10 थीटा। तो यहाँ 10 और थीटा का वैल्यू कितना बताओ, 0 डिग्री, ये हो जाएगा 0। तो 0 कैसे हुआ, 10 0 तो 0 हुआ, 0 कैसे हुआ, देखो अगर कोई लाइन है और एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, कोई भी लाइन ले एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसके एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, 0, क्योंकि ये लाइन जो है, लाइन का जो एंगल हमको लेना है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। उस केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल दोनों के बीच 0 बनेगा, तो 10 0 और 10 0 का वैल्यू 0। इस केस में स्लोप का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लो, फिर आगे की बात करेंगे। चलो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं, ठीक है ना, अगला में और वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोगों को लेना, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम। जैसे यहाँ देखो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में, फर्स्ट पॉइंट में, है ना, फाइंड dy/dx। सबसे पहले तो dy/dx निकालेंगे, ठीक है ना। इसके बाद पुट dy/dx इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं, dy/dx को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, और जब dy/dx को 0 के इक्वल पुट करेंगे उस केस में हम x का वैल्यू निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x से
एक्स इज इक्वल टू ए, ऐसा मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू जो है वह ए के बराबर आता है। अब हम लोगों को क्या करना है, सेकेंड स्टेप में फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, हमने बताया था पिछले क्लास में कि ये डबल डिफरेंशिएशन होता है। पिछले क्लास में हम डिस्कस किया है कि डबल डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास आया डबल डिफरेंशिएशन डी टू वाई डी एक्स टू। अब हम लोग क्या करेंगे, केस फर्स्ट में पुट एक्स इज इक्वल टू ए, हमको एक्स का वैल्यू ए के बराबर में पुट करनी है। क्या करना होगा बोलो, एक्स का वैल्यू ए के इक्वल पुट करेंगे, और जब एक्स का वैल्यू ए के इक्वल पुट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि डी टू वाई डी एक्स टू का क्या वैल्यू आता है। यदि ग्रेटर देन जीरो आ जाए, यदि एक्स का वैल्यू हम पुट करें ए और ए ग्रेटर देन जीरो आ जाए, इस केस में हम लोग कहेंगे वाई विल बी मैक्सिमम एट एक्स इजिकल टू ए, सॉरी ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर के केस में मिनिमम होगा, है ना, ये मिनिमम हो जाए, वाई विल बी मिनिमम एट एक्स इजिकल टू ए, है ना। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, केस सेकंड हम लोग देख लेते हैं ना, केस सेकंड की बात करें बहुत सिंपल है। केस सेकंड, पुट एक्स इजिकल टू ए, अब एक्स इजिकल टू ए अगेन पुट करेंगे, इफ डी टू वाई डी एक्स टू लेस देन जीरो हो जाए तो हम कहेंगे देन वाई विल बी मैक्सिमम एट एक्स इजिकल टू ए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हम एक बार फिर से बता देते हैं, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले कोई फंक्शन दिया है, मान लो y कोई फंक्शन है x का, हम लोग क्या करेंगे dy वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, फिर dy वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग जीरो के बराबर करेंगे और फिर x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जब x का वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया, उस केस में हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डी टू वाई डी एक्स टू निकालेंगे और जो x का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है उस x का वैल्यू डी टू वाई डी एक्स टू का जो भी फंक्शन आएगा x के टर्म में, वहाँ x का वैल्यू a रखेंगे। जब x का वैल्यू a रखेंगे तो क्या हो सकता है कि जीरो से बड़ा आ सकता है, तो जब जीरो से बड़ा आएगा उस केस में मिनिमम वैल्यू कहेंगे हम लोग कि x का जो है y जो है मिनिमम वैल्यू होगा कहाँ, x इजिकल टू a पर। यदि x का वैल्यू a रखें तो दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जीरो से लेस आ सकता है, तो जब जीरो से लेस आएगा तो y का वैल्यू मैक्सिमम होगा एट x इजिकल टू a पर, ठीक है ना। हमें उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होगी, लेकिन इसका जो रियल कंसेप्ट आएगा वो क्वेश्चन से आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो पहले आप इसको नोट कर लो फिर क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन 3x to the power 4, है ना, 3x to the power 4 प्लस फोर एक्स क्यू -12x² +4 इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो हमको निकालना है, कोई फंक्शन दिया है 3x to the power 4 4x³ - 12x² +4 इज मैक्सिमम एंड मिनिमम किस पॉइंट पर होगा, है ना। तो यहाँ 4 नहीं, +12 है,
प्लस 12। चलो इसको हम लोग कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या है कि फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन को हमको दिखाना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पर मिनिमम होगा। देखो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप में हम बताए थे कि पहले जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 3x^4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12, है ना, ये दिया हुआ है हमारे पास। हमने मान लिया कि y जो है x का फंक्शन। अब हमको क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना। तो d अपॉन dx और y का वैल्यू दिया है 3x^4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12, ये दिया हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है सेपरेट कर देंगे। तो d अपॉन dx 3x^4, है ना, हमने बताया सब डिफरेंशिएशन में, d अपॉन dx 4x³, इसको सेपरेट कर देंगे, और माइनस d अपॉन dx 12x², है ना, और प्लस d अपॉन dx 12, है ना, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, समझना है इसको, है ना, ठीक है। अब यार हमने बताया था कि जब भी डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म आएगा उसको बाहर कर लेंगे। यहाँ कांस्टेंट टर्म 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 12, सभी को डिफरेंशिएशन से बाहर करेंगे। तो 3 को बाहर कर लो, क्या दिख रहा है, देखो 3 डी अपॉन डी एक्स, है ना, समझना है, 3 डी अपॉन डी एक्स, है ना, और यह हो जाएगा x^4, क्या हो जाएगा x^4 प्लस 4 को बाहर करो, 4 है ना, तो हो जाएगा हमारे पास 4, है ना, 4, ठीक है, x³, तो d अपॉन डी एक्स x³, और यहां क्या हो जाएगा माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 डी अपॉन डी एक्स x², है ना, और इसका तो वैल्यू 0 ही हो जाएगा ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, यहाँ देखो, तो ये तो 3 रहेगा हमारे पास, तो 3 हमने यहाँ रख लिया, और पावर को कोफिशियंट मिलाओ। कैसे, हमने बताया था पिछले क्लास में, यहाँ लिख लेते हैं, हमने बताया था d अपॉन डी एक्स x^n का फार्मूला क्या बताए थे, n x^n-1, ये फार्मूला बताए थे। तो हमें यही करना है, 3 तो यहाँ रहेगा, पावर को कोफिशियंट मिलाओ 4, और पावर में से 1 माइनस कर लो, है ना, उसी तरह से प्लस 4, पावर को कोफिशियंट मिलाओ और पावर में से 1 माइनस कर लो, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा, है ना, यहाँ जो होगा क्या होगा, यहाँ जो होगा, ठीक है, 12 तो रहेगा, पावर को कोफिशियंट मिलाओ 2 और x^2-1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x³ प्लस 12x²-12x, यही आ जाएगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 12x कॉमन ले लें, सभी में आ जाए, तो यहाँ क्या होगा x² + x - 1, यही आ जाए। तो dy/dx हमको निकल गया, dy/dx निकल गया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, हमने क्या बताया है, सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो हम यहाँ इस क्वेश्चन के लिए dy/dx तो पहले निकाल लिए, क्लियर है। अब हमें क्या करना होगा, समझना, हमारे पास हमने बताया कि अब इसके बाद जब dy/dx आप कैलकुलेट कर लिए ना, तो फिर dy/dx को 0 के बराबर करेंगे। तो भाई dy/dx को 0 के बराबर कर लो, तो यहाँ हम लोग ऐसा करेंगे कि जहाँ dy/dx है उसको 0 कर लेते हैं, तो हो जाएगा 12x x² + x - 2, है ना, ये आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होगी, हमने डिफरेंशिएशन किया है सिंपली, और फिर dy/dx को 0 के बराबर किए, ठीक है ना। चलो
अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 12x क्या निकाले थे अभी, 12x i इंटू इंटू, ठीक है, देखो 12x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, 12x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस एक्स माइनस टू इजकल टू जीरो। तो या तो ए टर्म जीरो होगा नहीं तो ए टर्म जीरो, तो हम लिख सकते हैं 12x इजकल टू जीरो पहला, और दूसरा हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इजकल टू जीरो, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू जीरो ये आ गया, दूसरा हम लोग हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इजकल टू जीरो, एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस टू और यहाँ माइनस वन कॉमन लेंगे x प्लस टू इजकल टू जीरो। तो हमारे पास x माइनस वन इन टू एक्स प्लस टू हमने फैक्टर किया है इजकल टू जीरो, x का वैल्यू आ गया वन और यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू x प्लस टू इजकल टू जीरो करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस टू। तो हमारे पास x का तीन वैल्यू आ गया, क्या क्या आ गया, जीरो माइनस टू, जीरो वन एंड माइनस टू, जीरो वन एंड माइनस टू, तीन वैल्यू आ गए। तो हमको जब हमने क्या कहा था, अभी देखो हमने कहा था कि x का जो वैल्यू है हमने x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जब डिवाइड dx जीरो करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। यहाँ x का वैल्यू हमने a माना था बट इस इक्वेशन में x का तीन वैल्यू आ गया, जीरो वन माइनस टू। जब हमको ये पता हो गया तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, डी टू आई डी एक्स टू निकालना पड़ेगा, है ना। हमने बताया था, क्या बताया था, देखो सिंपल है ना, हमने कहा था कि जब x का वैल्यू हमें पता हो जाए तो हम लोग सेकेंड स्टेप में डी टू आई डी एक्स टू निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे बोलो, अब हम लोग डी टू आई डी एक्स टू निकालने वाले, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो d अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हमने निकाला, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू यही आया, 12x क्यू प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x, है ना। तो हम यहाँ रखेंगे 12x क्यू और इसके बाद है 12x क्यू के बाद प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x, यही आ गया, ठीक है ना। dy अपॉन dx ये निकाले थे, इसका वैल्यू यहाँ हमने रख लिया। अब इसको अपन सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट कर लो d अपॉन dx 12x क्यू, है ना, और प्लस d अपॉन dx 12x स्क्वायर, है ना, और माइनस d अपॉन dx 12x, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे बोलो, हम लोगों को करना ये है कि जितना भी कॉन्स्टेंट टर्म है सबको डिफ्रेंशिएशन से बाहर कर देना है, ठीक है। तो हम बाहर कर देंगे 12 d अपॉन डी एक्स, है ना, एक्स क्यू और प्लस 12 d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस 12 डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये आ गया बोलो। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पावर है इसको कोफिशियंट में लाएंगे, यहाँ जो पावर है कोफिशियंट में लाएंगे, है ना। तो हमारे पास जो आएगा देखो, तो हम लिख लेते हैं 12 इंटू थ्री एक्स टू द पावर 2 माइनस वन प्लस 12 इंटू टू, है ना, 12 इंटू टू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन माइनस 12, है ना। और यहाँ देखो, यहाँ जो है डी एक्स अपॉन डी एक्स तो 1 हो जाएगा, तो वहाँ 1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 होगा। तो ये हमारे पास आ गया 36x प्लस 24x, यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसको सही करना पड़ेगा, यहाँ 3 होना चाहिए ना, एक्स क्यू है तो यहाँ 3 होना चाहिए, तो यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो तो एक्स स्क्वायर 12x और माइनस 12, ये हमको क्या आ गया, डी टू आई डी एक्स टू, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे पुट एक्स इजकल टू जीरो, एक्स इजकल टू जीरो रखते हैं, तो आ जाएगा डी टू आई
डी एक्स टू इज इक्वल टू 36 इंटू जीरो प्लस 24 इंटू जीरो माइनस 12, है ना, माइनस 12। तो ये तो जीरो जीरो हो जाएगा, माइनस 12 आ गया, लेस देन जीरो आ गया ना। अब देखो जब लेस देन जीरो आया तो हम लोग एक बार पीछे देखेंगे कि जब लेस देन जीरो पर क्या कंडीशन हो रहा था। देखो यहाँ जब x का वैल्यू हमने पुट करा तो लेस देन जीरो आ जाएगा तो मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। तो इस केस में यहाँ लेस देन जीरो आ गया तो क्या होगा, y विल बी मैक्सिमम एट मैक्सिमम x इजकल टू जीरो। तो x इजकल टू जीरो पर y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमको यही पॉइंट पूछ रहा था ना कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो पहला पॉइंट हमने निकाला, हमने तीन पॉइंट निकाले थे, जीरो, वन और माइनस टू। जीरो पर हमने चेक किया तो हमको पता चल गया कि जीरो पर वाई का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चेक करेंगे एट एक्स इजकल टू वन। एक्स इजकल टू वन पर रखें तो इसमें रखो एक्स का वैल्यू डी टू वाई डी एक्स टू इजकल टू, यहाँ रखो तो 36 इंटू वन का स्क्वायर और प्लस 24 इंटू वन और माइनस 12। तो हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 24 माइनस 12। तो ये क्या आएगा, इतना तो श्योर है कि यहाँ यहाँ 12 बचा और ये हो जाएगा 48 करीब आएगा, है ना। तो 48 ग्रेटर देन जीरो आ गया, 48 मतलब ये तो पॉजिटिव आ गया ना, ग्रेटर देन जीरो। और जब ग्रेटर देन जीरो होगा है, जैसे यहाँ देखो लेस देन जीरो था तो मैक्सिमम हुआ था, और जब ग्रेटर देन जीरो आ गया तो मिनिमम होगा। तो हम कह सकते हैं वाई विल बी मिनिमम, है ना, मिनिमम एट एक्स इजकल टू वन। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने डी टू वाई डी एक्स टू निकाल लिया उसी फंक्शन का, और जो तीन पॉइंट आया जीरो, वन और माइनस टू, जीरो पर लेस देन वैल्यू आ रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगा, वन पर हमने रखा डी टू आई डी एक्स टू में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वन रख दिया, उस केस में ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो वन पर मिनिमम होगा। यानी दो पॉइंट हमारा चेक हो गया, जीरो पर क्या होगा मैक्सिमम, वन पर क्या होगा मिनिमम। अब अगला पॉइंट हम लोगों के पास है माइनस टू, तो माइनस टू पर हम विचार करते हैं ना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे माइनस टू पर, है ना। तो एट एट एक्स इजकल टू माइनस टू, है ना। तो आ जाएगा डी टू आई डी एक्स टू 36 इंटू माइनस टू का स्क्वायर एक्स के जगह पर। इक्वेशन एक बार देख लेते हैं, इक्वेशन जो हमारे पास है, ठीक है, देखो 36 एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर माइनस टू रख दिए, प्लस 24 इंटू एक्स है तो हम लोग यहाँ रखेंगे प्लस 24 इंटू माइनस टू, है ना, और माइनस 12। तो एक कितना आ जाएगा 4, 4 से माइनस टू इंटू माइनस टू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 144 करीब आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस 48 और माइनस 12, है ना। तो ये कितना आ जाता है, हाँ माइनस 48 माइनस 2, तो 144, है ना, और ये हो जाएगा 0, है ना, और ये हो जाएगा 50। यानी ये जो वैल्यू आएगा ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है ना, 60 आएगा, ये आएगा 60। तो 144 में 60 माइनस करोगे तो ग्रेटर जीरो आएगा। तो हम कह सकते हैं वाई विल बी ग्रेटर देन जीरो आया तो फिर इस केस में क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम एट एक्स इजकल टू माइनस टू। तो y का वैल्यू मिनिमम होगा x इजकल टू माइनस टू, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स सबको समझ में आ गए होंगे। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन 3x टू द पावर 4 4x क्यू माइनस 12x पावर प्लस 12 इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। y मान लिया हमने, dy अपॉन dx निकाल लिए और फिर 0 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से हमको पॉइंट्स पता हो गया, कुछ नहीं किया हमने। ये जो 5-6 का क्वेश्चन है कि आप इसको फैक्टर करके x का वैल्यू निकाल लो, x का तीन वैल्यू आया 0, 1, -2। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग dy अपॉन dx तो यहाँ निकाल चुके हैं,
अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमको डी टू आई डी एक्स टू निकल जाएगा। तो हमने इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया, डी टू आई डी एक्स टू निकाल लिए यहाँ वैल्यू रख के, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया फाइनली, जब इसको हम लोग निकाले तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 36x² + 24x - 12। अब हम x का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं कि क्या इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। हमने 0 पुट किया तो निगेटिव आ गया, और याद रखना जब निगेटिव आएगा तो मैक्सिमम होता है, तो यहाँ मैक्सिमम होगा x = 0 पर। उसी तरह x = 1 पर पुट करके हमने चेक किया तो ग्रेटर देन 0 आ गया, है ना। तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा बताओ, उस केस में मिनिमम आएगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मिनिमम आएगा। सिमिलरली x = जब हमने -2 पुट किया उस केस में भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर भी मिनिमम होगा। क्लियर है। तो जब भी मैक्सिमम और मिनिमम किसी फंक्शन का निकालना हो तो हम लोग क्या सीखे हैं, हम लोग सीखे हैं कि सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, उसका वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे, और फिर हमको x का वैल्यू निकालना है। जब x का वैल्यू आ गया तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे और x का वैल्यू पुट करके देखेंगे, जहाँ पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है। यदि निगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, निगेटिव आने का मतलब लेस देन 0, और लेस देन 0 में मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब मिनिमम होगा। हमें लगता है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसको एक बार क्वेश्चन को लिखो और अपने से प्रैक्टिस करो, चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, कमेंट्स भी करो कि आपको कितना समझ पा रहे हो। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।